नमस्कार, यूनिवर्सल न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली के अमन विहार इलाके में एक कलयुगी मां ने अपने 8 माह के दुधमुहे बच्चे की बड़े ही वहशी तरीके से सिर कुचलकर की निर्मम हत्या। महिला के पति का आरोप है कि 4 साल पहले अपने 2 माह के बच्चे की भी कर चुकी है हत्या। तांत्रिक क्रिया का लगाया आरोप। पुलिस मामला दर्ज कर रही है मामले की जाँच। मर्डर किया है जो बच्चे का, ये लोग गए थे बाजार से जब आए हैं तो गेट बंद था और गोदी में बच्चे को ले रखा था, ठीक है जी। और जिसने मारा है उसकी माँ का नाम है सारिका, हस्बैंड का नाम है शंकर और बेटे का नाम है जिसको मारा है वो, उसका नाम है चिराग। 8 महीने का बच्चा, 8 महीने का बच्चा है। हम 8 महीने का बच्चा है और ये गोद में लेके बैठी थी, गला काट दिया है यहाँ से और पेट फाड़ दिया है और मतलब सिलबट्टा से पता नहीं की चीज से उसका पूरा चेहरा खराब कर दिया है, ठीक है जी। और सवेरे मुझे पता लगा तो जैसे ही मैं भाग के आया तो तब मतलब डेड बॉडी जा चुकी थी। क्या कहा है इसका, पहले भी बच्चा एक बच्चा पहले भी सुनने में आया, मैंने अभी तक कोई नॉलेज में नहीं था, आज सुनने में आया जब ये कांड हुआ है तो पहले भी इस एक महीने का बच्चा था, उसका गला घोंट के इसने पहले ही मार दिया है। अच्छा, क्या कारण होता है इसके पीछे, घटना के पीछे? इसके घटना के पीछे अब भगवान ही मालिक है, लेकिन मेरा कारण तो यही है कि वो तांत्रिक क्रिया है, उसका ब्लड भी इसने पिया है। अच्छा, हाँ वो ठंड में लग रहा था, ब्लड भी इसने पिया है तो ये तांत्रिक क्रिया भी हो सकती है। इसका हस्बैंड यहाँ है नहीं, गाँव गया हुआ है, शादी शुदी थी इनके घर में, कुछ भी हो। कितने बच्चे हैं इस महिला के पहले? 2 बेटी हैं, बेटी बड़ी बड़ी हैं। अच्छा, हाँ बेटी एक करीब होगी 13-14 साल की है, 12-13 साल की, एक 6-7 साल। हस्बैंड क्या करते हैं इसके, शंकर लाल जी? ये सब बाजार लगाते हैं।